हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवीज़न करना और मल्टीप्लाई करना, कैसे हम ये सब करते हैं एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरी न्यू वीडियो के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्दी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पर या कोई भी वेब ब्राउज़र पर, जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स या कोई भी यूसी ब्राउज़र वगैरह कोई भी हो सकता है, तो हम उसमें चलते हैं। तो गूगल क्रोम में मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। google.com लिखेंगे, google.com में C++ यहाँ लिख देंगे ऑनलाइन C++ कंपाइलर। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक वेबसाइट आ जाएगी, नाम आ जाएगा उसका www.onlinegdb.com। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और वहाँ जाके बस आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें ये जो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है सी लैंग्वेज में C++ करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट करोगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप C++ प्रोग्राम का आपका आ जाएगा। देखो ये पहले आयो स्ट्रीम वाला यूजिंग मेन स्क्रीन लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड का, इसको मैं पिछले आपको एक वीडियो में बता भी चुका हूँ। अब क्या करते हैं, यहाँ तक हम लिखा रहने देते हैं। ये हमारी क्या है, हेडर फाइल है दोनों, इन दोनों को हम हेडर फाइल दिए हमारी। ठीक है, अब इसमें हम इंट मेन का यूज़ करेंगे, इंट मेन, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे, सी आउट करेंगे। सी आउट में हमें क्या देना है, हम देना चाहते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, FIRST फर्स्ट NUMBER नंबर। हमने इसमें एक ये सी आउट से पहले इसमें इंटीजर भी माननी पड़ेंगे। ठीक है, इंटीजर लेने पड़ेंगे, इंटीजर में A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, A, B, आप इसमें एक सम ले लो। ठीक है, एक SUB ले लो, एक MUL ले लेते हैं फिलहाल। ठीक है, तो जब इन्हें ले लेंगे तो आसानी से हमारा एक ही बार में सम, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई दोनों ही सारे एक साथ हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे, पहले एंटर हमने फर्स्ट वैल्यू करा दी, इसके बाद हम इस CIN सिन करेंगे और A को स्कैन करा देंगे। ठीक है, अब सी आउट दोबारा से करेंगे, या फिर आप इसे डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद यहीं पर पेस्ट कर देंगे, तो अब फर्स्ट नंबर की जगह क्या लिखेंगे हम, सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, अब एक ही जगह कर देंगे बी को। तो जैसे ही बी को करेंगे तो अब हमें यहाँ फॉर्मूले लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक हमारा समझ में आ गया, हमने ए और बी लिया, अब सम, सब और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो SUM क्या हो जाएगा, इक्वल टू A+B हो जाएगा। अब SUB इक्वल टू A-B कर लो या B-A कर लो, जैसा आपको रखना है। मैं B-A कर देता हूँ क्योंकि हम बड़ी वैल्यू फिर B को रखेंगे। ठीक है, अब MUL कर देते हैं इक्वल टू, चाहे A से मल्टीप्लाई B की करो या B से, जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, सी आउट कराएंगे। ठीक है, सी आउट में क्या करेंगे, सी आउट देना है हमें किसका, पहले तो हम दे लेंगे SUM सम ऑफ टू वैल्यूज़। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें अगर हम ये लगाना चाहते हैं सब में, तो हम ये भी लगा सकते हैं। मैंने ये यहाँ लगा दिया, ये भी लगा दिया, इसमें भी लगा देता हूँ मैं ये सम ऑफ टू वैल्यूज़। अब इसमें हम SUM को स्कैन करेंगे। ठीक है, हम नीचे सी आउट दोबारा से लिखेंगे। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ सम की जगह क्या जाएगा, SUB, सब्ट्रैक्शन हो गया, और यहाँ भी SUM की जगह SUB कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पे क्या करेंगे, MUL लिख देंगे, MU। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। देखो यहाँ तो हम कैपिटल स्मॉल में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जब हम स्कैन कराएंगे तो MUL जैसा हमने लिया है उसमें वैसे ही लेना पड़ेगा।
ठीक है, इन्हें भी हम स्ट्रिंग वाले को तो चेंज कर सकते हैं। अब रिटर्न कर देंगे, रिटर्न में 0, ठीक है, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है रन हुआ है या नहीं। तो मैं F9 प्रेस कर दूंगा। F9 प्रेस करने के बाद देखो इसमें मिस्टेक बताएगा, देखो एरर की मिस्टेक आ रही है। अब ये हम इसे कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या है, हमने एक और एक्स्ट्रा लगा दिया है, देखो यहाँ नीचे लग रहा है एक्स्ट्रा। तो जैसे ही हम इसे हटाएंगे और दोबारा से F9 करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखो ये आ गया, एंटर फर्स्ट नंबर। अब मैं यहाँ 25 एक फर्स्ट नंबर ले लिया, और सेकंड नंबर ले लेते हैं हम 60 ले लेते हैं, ठीक है। अब इन सब का ये आ जाएगा, देखो सम ऑफ टू वैल्यूज, सब ऑफ टू वैल्यू और मल्टीपल ऑफ टू वैल्यू। अगर हम इनको अलग अलग देना चाहते हैं तो बस हमें क्या करना होगा, हर बार स्लैश एन का यूज़ करेंगे, अपर स्लैश एन का यूज़ कर देंगे, जिससे कि नेक्स्ट लाइन में आएगा हर जो भी कुछ वैल्यू आएगी, प्रिंट आउट जो होगा हमारा उस स्लैश एन में बस यहाँ लगा देंगे। अब F9 और कर देंगे। अब दोबारा से देखते हैं, वही दोबारा से कोई भी 45 ले लेते हैं अब, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं 98, ठीक है। अब देखो इन सब का वैल्यू आ गई। अभी क्या हुआ, ये हमने जो वैल्यू जो एंटर जो दिया है वो बाद में दे दिया, हमें क्या है यहाँ देना था, इसमें नहीं देना है, ठीक है, यहाँ नहीं देंगे, यहाँ दे देंगे स्लैश एन, स्लैश एन, देखो यहाँ देते हैं स्लैश एन, स्लैश एन, देखो ये गलत बता रहा है, मिस्टेक यहाँ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें कलर चेंज होता है, देखो जहाँ मिस्टेक करेंगे पता चल जाएगा हमें, यहाँ नहीं देंगे, बस एक स्लैश एन इसमें दे देंगे, स्लैश एन यहाँ दे देते हैं सिर्फ, और अब F9 कर देते हैं। हमें मिस्टेक ये हैंड टू हैंड बताता जाएगा कि कहाँ हमें इसमें देना है। 56 ले लिया मैंने और 89 ले लिया है, तो ये देखो बस खाली हमारा क्या है, जो पहला वाला है उसमें और नहीं आया है, बाकी सब में आ गया, ठीक है, सब ऑफ टू वैल्यूज़ का आ गया है, बस हमें ये और देना था, यहाँ और दे देंगे बस, स्लैश एन देखते हैं कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम, इसमें सारी मिस्टेक पता चल जाता है हमें, ठीक है। अभी भी ये बस सम ऑफ टू वैल्यूज को इधर दिखा रहा है, 1, 2, 3 को और इधर। तो अभी हमें एक काम करते हैं हम, हटा देते हैं, दिया 56 दिया, ठीक है। यहाँ देंगे हम इसको सबसे आगे कर देंगे स्लैश एन, यहाँ स्लैश एन, ये सही है, हाँ वेरी गुड।
ऐसे इसमें कर देंगे स्लैश एन। वेरी गुड, अब देखो ये हमारा रन हो जाएगा, अब बिल्कुल सही आना चाहिए। तो ये देखिए हमारा सारा आंसर सही आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, पर ये स्लैश एन का जो यूज़ है ना वो उससे पहले लेना है, तब हमारी नेक्स्ट वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।